राम चरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेवन मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं। इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह की हिट मूवीज़ के चलते और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में आया था वीवी विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपर सेवन मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी है मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सेवन मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। माकावीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा, ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये मधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो,
सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वाली मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है। एज पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं। उसके साथ साथ पिछले टाइम थानापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचंद्र सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, रामचंद्र सर के क्रॉजन ब्रदर पर साई धरम तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रिला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है। इसके साथ साथ रामचंद्र सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कंकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियार एडवानी, यस सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामा में जैसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपरहिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों में कंकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है, और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है, और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सर की मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे हैं। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्में काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कंकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे, और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रसाद दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चेंजर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को
लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर के अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी पर आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछली टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चर्चे देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह की हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में था वी नायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए RRR मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि SS राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ RRR जैसी सुपर सेलर मूवी को प्रोडक्शन उसकी तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि RRR मूवी को सक्सेसफुल मूवी की तरह मिला। यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी
उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेस मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर के तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो आप हमें कमेंट करिएगा। बाका वीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर्स की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रिला और अखिल नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सब्सक्राइब पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरीके हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी, यस से सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सजेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश से सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया, उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सक्सेस मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी के ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्में काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन
चरण इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट दिखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज की पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चा या रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना पसंद करते हो कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चा और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंदर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रसाद दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नई, ये सब तो मूवी फिल्मों के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चा मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर के अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है, तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है, इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता दे इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज फिल्म पर आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चर्चे देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकन स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में आया
आया था वीवी विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए RRR मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि यश राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफ़ी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी उसके साथ साथ RRR जैसी सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफ़ी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि RRR मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, या शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सुपर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा माकदीरा, रंगस्थलम, विनय विदरेगा, ये वधू जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधू मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वो मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचरण सर के क्रॉजन ब्रदर पर साईद राम तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिल नंदन उनकी पॉपुलरिटी के कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग एंजॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी, यश सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद, इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोग कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा।
गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर या शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेवन मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनक इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के साथ रिलीज को लेकर देखना पसंद करते हो कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चार्ट से और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रसाद तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंद्र की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्मों के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर बजट और मूवी स्टोरी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चंद्र मूवी को डायरेक्ट कर रखी है जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई प्रोडक्शन पार्टनर दिल
राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्ट देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यह शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चार्ट और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा अडवाणी की पिछले मूवी जो रिलीज में आया नायक जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा अडवाणी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन उसकी तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी है मूवी की तरह मिला या शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर स्टार मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकर रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो आप हमें कमेंट करिएगा। बाका दीरा रंगस्थलम विनय वगैरह ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला मांगा धीरा रंगस्थलम गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वो मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल के मूवी के अंदर काम कर रखी है। ऐसा पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचरण सर के क्रॉजन ब्रदर पर साई धरम तेज वरुण तेज अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा अडवाणी यस से सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सब वीडियो भी मेरे काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला स्पेशली उनकी आरआरआर मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था
उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। जैसे सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहे हैं। स्पेशली आप लोगों और डायरेक्टर या शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलेक्ट मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यशंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे है और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट देखना पसंद करते हो कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चार्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंदर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रशांत तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा YouTube रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यशंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यशंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चंदर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम जो कि यशंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बाराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता
बता दें इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज में आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफ़ी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चर्चे देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यह शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा अडवाणी की पिछली मूवी जो रिलीज में विनायक जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा अडवाणी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपर सर मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी है मूवी की तरह मिला, या शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। माकादीरा, रंगस्थलम, विनय विदरेगा, ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इन्होंने इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये मधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारे हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये मधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखे, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचरण सर के क्रॉजन ब्रदर पर साई धरम तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिल नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा अडवाणी, यश सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रिस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी
से डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमाघरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो भी मेरे काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सजेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामा में जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश से सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपरहिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहे हैं। स्पेशली आप लोगों में कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलेक्ट मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी के ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइट देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रशांत तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंद्र की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी की पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को कर काफी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज के पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्में के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चंद्र मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर
शंकर समूरम जो कि यस शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी या रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्ट देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चार्ट और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में था वीवी विनायक जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि यशस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की मकदरा मूवी उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर के तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो आप हमें कमेंट करिएगा। बाका दीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चार्ट से भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल के मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रिला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन
इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियर एडवानी, यस सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज़ के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो फिर मेरे काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद, इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामा में जैसे कि उनके लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया, मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों में कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया, उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे हैं। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रसाद दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंद्र की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को कर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर के अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा।
आप सभी को बता दें, इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें, इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुगुरम, जो कि यश शंकर, जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं। इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं, स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार, जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता दे, इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी में आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफ़ी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्ट देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह की हिट मूवीज़ के चार्ट और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में था वीवी नायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें, रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसे सुपर सेलर मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी है मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सेलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज़ मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकर रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। बाकाधीरा, रंगस्थलम, विनय विदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें, रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धरम तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी
हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रीला और आखिर नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर रहे, जिसके साथ साथ राम चंद्र की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कंकन इस तरीके हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी, यस से सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद, इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामा में जैसे कि उनके लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों कंकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलेब्रिटी मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी के ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्म काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कंकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंदर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रशांत नील ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत नील ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नई, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे।
राम तरुण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टोरी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करेगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं। इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी की स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज फिल्मों पर आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछले मूवी जो रिलीज में आया था विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपर सेलर मूवी को प्रोडक्शन उसकी तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सेलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। बाकाधीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो,
सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वाले मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है। एज़ अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं। उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचंद्र सर के करियर में काफ़ी हिट और हर प्रिपेयर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिल नंदन उनकी पॉपुलरिटी के कजन ब्रदर है, जिसके साथ साथ रामचंद्र की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कंकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी, यस से सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारी इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफी ज्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामम है, जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश से सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोग इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलिंग मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चेंजर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रसाद तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्मों के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर
लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT फिल्म के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को यह सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टोरी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है, तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जयम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है, इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज फिल्म पर आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछले मूवी जो रिलीज में आया था विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए RRR मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि SS राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ RRR जैसे सुपर सेलर मूवी को प्रोडक्शन उसकी तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि RRR मूवी को सक्सेसफुल मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी
उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज़ में अगर तो आपसे पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कर रामचरण सर की इस तरह की सुपर फिल्म मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो आप हमें कमेंट करिएगा। बांका दीरा रंगस्थलम विनय विदरेगा ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था उसके साथ इन्होंने इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला मांगा धीरा रंगस्थलम गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारे हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है। एज़ अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रिपेयर देखने को मिल जाएगा। आपसे भी बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज वरुण तेज अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी यस सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्में काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन
इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे हैं, और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कम कम इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के साथ या रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के साथ या रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चेंजर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रशांत दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चेंजर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी की पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे, और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी जुड़ी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है, तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है, इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज में आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्ट देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरीके हिट मूवीज़ के चार्ट और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में आया
आया था वीवी नायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए RRR मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफ़ी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की मकदरा मूवी, उसके साथ साथ RRR जैसे सुपर स्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफ़ी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि RRR मूवी को सक्सेसफुल मूवी है मूवी की तरह मिला, या शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर के तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कर रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा बांका दीरा रंगस्थलम विनय विदरेगा ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इन्होंने इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये मधु 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा रंगस्थलम गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये मधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिल नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सैटेलाइट पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नए मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा एडवानी यस सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सजेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद, इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्यारामा में जैसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपरहिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं, स्पेशली आप लोगों में कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा।
गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज हुआ मूवी रही है और डायरेक्टर या शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलेक्ट मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यशंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी के ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कम कम इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइट देखना पसंद करते हो कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चेंजर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रशांत तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चेंजर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा, दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को कर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर के अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यशंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यशंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुगुरम जो कि यशंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई प्रोडक्शन पार्टनर दिल
राजू की प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्टर देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यह शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चार्टर और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा अडवाणी की पिछली मूवी जो रिलीज में था वीवी नायक जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा अडवाणी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रहा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी की तरह मिला या शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो आप हमें कमेंट करिएगा। बांका दीरा रंगस्थलम विनय विदरेगा ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला मांगा धीरा रंगस्थलम गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी इस तरह की हिट मूवीज की पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वो मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल के मूवी के अंदर काम कर रखी है। एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज वरुण तेज अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रिला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सब्सक्रिप्शन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चर्चे और पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा अडवाणी यश सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला स्पेशली उनकी आरआरआर मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था
उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने किया एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रहे हैं। स्पेशली आप लोगों में कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे हैं। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे हैं। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चार्ट से और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि आरआरआर मूवी के बाद प्रसाद दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चेंजर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा के अंदर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर और वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टोरी सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर के अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चंद्र मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बाराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता
बता दें इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू की प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफ़ी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चार्टर देखने को मिला है आप लोगों में से कनकर, स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यह शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चार्टर और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा अडवाणी की पिछली मूवी जो रिलीज में था वीवी नायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा अडवाणी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसे सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। बाका दीरा, रंगस्थलम, विनय विदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धरम तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज अ कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रिला और आखिर नंदन उनकी पॉपुलरिटी के कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर के ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सजेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कनकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा अडवाणी, यश सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज के साथ कौन सी
डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो फिर मेरे काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सजेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं, स्पेशली आप लोगों कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर, उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया और उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सक्सेसफुल मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्म काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है, स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कम कम इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइटमेंट देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चर्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंदर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रशांत दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने के जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजु प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है, स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर। इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है, तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर
शंकर सम्बुरम जो कि यस शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है, इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली बता दें इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिंग और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफ़ी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी पर आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफ़ी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह की हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछले मूवी जो रिलीज में था वी नायक जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफ़ी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपरस्टार मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सक्सेसफुल मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। माकादीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इन्होंने इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगाधीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर विलन मूवी इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वो मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है, एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साईं धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे, उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला, और उसके साथ साथ निक्रीला और अखिला नंदन उनकी पॉपुलरिटी के कजन ब्रदर है, इसके साथ साथ रामचरण सर की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया के तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सब्सक्राइब पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कौन कौन
इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियारा अडवाणी, यस से सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज़ के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और फिल्म को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमाघरों पर इन मूवीज के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो भी मेरे काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा अडवाणी के साथ जो कि विनय विद्या रामम है जिसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा, फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यश से सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोग कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर यश शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलिंग मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी के ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी फिल्में काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के साथ रिलीज को लेकर देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफ़ी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चार्चे और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंदर के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज़्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रसाद तेल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चंदर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रसाद तेल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नई नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्म के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजु प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को कर काफ़ी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफ़ी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घरों पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज़ को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, OTT प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल HD पर देखना चाहते हो, तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यश शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा।
आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेलर मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरह के हिट मूवीज़ के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है, जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समूरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं। इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता दें स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश से सूर्या, दिल राजू, जयम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है, जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी के चलते हुए इन्होंने काफ़ी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाले स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमाघरों पर रिलीज भी आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी, उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरह के हिट मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में आया था विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की मकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसी सुपर सेलर मूवी को प्रोडक्शन उसके तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी आए मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सेलर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह की सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। माका दीरा, रंगस्थलम, विनय वेदरेगा, ये वधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये वधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इन्होंने इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो टू को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था, वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्चे भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वधु मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखे है, एज पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट
प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें रामचंद्र के क्रॉजन ब्रदर पर साई धर्म तेज, वरुण तेज, अल्लू अर्जुन उनकी एज ए कजिन ब्रदर की तरह रह जाएंगे। उनकी पॉपुलरिटी में काफ़ी हद तक पॉपुलरिटी मिला और उसके साथ साथ निक्रीला और आखिर नंदन उनकी पॉपुलरिटी कजन ब्रदर है। इसके साथ साथ राम चंद्र की पॉपुलरिटी मिलना काफ़ी हद तक डिफरेंट बेस्ट मूवी रह चुका है। स्पेशली तेलुगु लैंग्वेज पर रिलीज में आने वाली गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर रिलीज पर देखने चाहते हो, मूवी के रिलीज को लेकर एक्साइटेड हो, इस मूवी को आप लोग इन्जॉय कर पाओगे। मूवी का ट्रेलर ऑलरेडी पैन इंडिया इंडिया की तरफ से रिलीज में आ चुका है। यूट्यूब सेंसेशन पर इस मूवी के तेलुगु वर्जन की टीजर रिलीज करने के बाद हिंदी के टीजर को भी कुछ टाइम के बाद रिलीज करने के अनाउंसमेंट किया है। स्पेशली आप सभी में से कंकन इस तरह के हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी और रिलीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, स्पेशली आप हमें कमेंट्स कर सकते हो, ताकि दोस्तों कुछ टाइम पहले ही इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज़ मेकर की तरफ से नई मूवी के चार चार पॉपुलरिटी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियो को लाइक करिएगा। कियार एडवानी, यस सूर्या जो कि सपोर्टिंग कास्ट में मूवी के अंदर नजर आने के साथ साथ मूवी की तरफ से काफ़ी अच्छी रेस्पॉन्स मिली हुई है। स्पेशली आप लोग हमारे इन वीडियोज़ के पॉपुलरिटी रिलीज़ के साथ कौन सी डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली जो सिनेमा घरों पर इन मूवीज़ के चर्चे और पॉपुलरिटी के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाह रखे हैं, इन मूवीज़ के पॉपुलरिटी के चलते हुए मूवीज़ के मेकर और सिनेमा रिलीज के चर्चे में इन सिनेमा की रिलीज को लेकर एक्साइटेड रहना चाहते हैं, उन सभी के लिए ये सब वीडियो प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट लगेगा। रामचरण सर की पिछले टाइम सोशल मीडिया पर और यूट्यूब सेंसेशन पर उनकी काफ़ी ज़्यादा पॉपुलरिटी देखने को मिला, स्पेशली उनकी RRR मूवी जो ऑस्कर अवार्ड पर चला गया था उस मूवी के नाटो नाटो सॉन्ग के बाद। इसके साथ साथ गेम चेंजर में इन्होंने कियारा एडवानी के साथ जो कि विनय विद्या रामा में जैसे कि उनकी लीड कास्टिंग के साथ देखने को मिला, वो मूवी तेलुगु वर्जन पर सक्सेसफुल नहीं रहा। फिर भी दोस्तों उस मूवी को हिंदी ऑडियंस की तरफ से काफ़ी प्यार मिला था। यस सूर्या ने महेश बाबू सर के साथ भी काम किया, उनकी स्पाइडर मूवी के साथ साथ काफ़ी हिट मूवी चर्चे में आया। मूवीज मेकर इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के चलते हुए सुपर हिट प्रीमियर मूवी को लेकर एक्साइटमेंट दिखाना चाह रखे हैं। स्पेशली आप लोगों में कंकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज के प्रोडक्शन और प्रीमियर को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। गेम चेंजर प्रीमियर के साथ साथ रिलीज में आई मूवी रही है और डायरेक्टर या शंकर जिन्होंने रोबोट मूवी को कंटिन्यू कर रखे है और इसी तरीके से बड़ी मूवी के डायरेक्टर उन्हें साल 2010 में ही तेलुगु वर्जन पर इतनी बड़ी मूवी को इंट्रोड्यूस किया। उनकी VFX CGI उस टाइम पर ही नेक्स्ट लेवल की रही थी, जो भी अभी भी काफ़ी हद तक सुपर सेलिंग मूवी के लिस्ट में उस मूवी को दिखा जाता है। CGI के अंदर काफ़ी मेहनत करने वाले यश शंकर इस टाइम पॉलिटिकल ड्रामा मूवी के अंदर नजर आ रखे है। इस मूवी का ट्रेलर देखने के साथ मूवीज़ के फैन फॉलोइंग काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रखे है। मूवी के पॉपुलरिटी को लेकर आप सभी को भी ये सब मूवी प्रीमियर काफ़ी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा के रिलीज प्रीमियर और पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों गेम चेंजर जैसी बड़ी मूवी के यूट्यूब रिलीज के पहले ही आप सभी को ये सब मूवी थिएटर पर देखने को मिल जाए। थिएटर रिलीज के साथ साथ मूवीज के मेकर्स और प्रीमियर फैन इन सिनेमा प्रीमियर के पॉपुलरिटी और रिलीज को लेकर एक्साइटेड होना पसंद कर रखे है और आप सभी के लिए भी वो सब काफी हद तक डिफरेंट और एक्साइटमेंट देखने को मिल जाएगा। स्पेशली आप लोगों में से कनकन इन सिनेमा रिलीज के पॉपुलरिटी के साथ साथ सुपर सक्सेसफुल हिट मूवीज के चर्चे और रिलीज को लेकर एक्साइट देखना पसंद करते हो, कमेंट्स करिएगा, ताकि दोस्तों हम आप सभी के लिए ही काफी हद तक डिफरेंट और सक्सेसफुल मूवी के चार्ट और रिलीज के बारे में जानकारी करवाएंगे। गेम चंद्र के अलावा रामचरण सर अपकमिंग डेज में और भी ज्यादा नई मूवी के अंदर काम करने वाले हैं, जैसे कि RRR मूवी के बाद प्रशांत दिल ने इन्होंने इनको लीड कास्ट में लेकर नई मूवी को इंट्रोड्यूस करने का जिक्र हुआ है। अभी कुछ अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, टाइटल टीजर के अनाउंसमेंट के साथ साथ गेम चेंजर की सक्सेसफुल के बाद ही जिक्र हो जाएगा। उनको प्रशांत दिल ने लीड कास्ट के साथ नई मूवी को इंट्रोड्यूस करेंगे या फिर नहीं, नई मूवी के पॉपुलरिटी में इनको लिया जाएगा या फिर नहीं, ये सब तो मूवी फिल्मों के पॉपुलरिटी के बाद ही आप सभी को मालूम हो जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले कमेंट्स करिएगा। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई मूवी के साथ साथ पिछले टाइम काफ़ी सारे एक्टर्स ने इन सब मूवी को कर काफी एक्साइटमेंट दिखा रहे थे और आप सभी को भी ये सब काफी हद तक डिफरेंट एक्साइटमेंट लगने वाला है। स्पेशली कमेंट्स करिएगा वो सब जो सिनेमा घर पर पॉपुलरिटी के साथ साथ हिट मूवीज को देखने के लिए एक्साइटेड है, उन सभी के पॉपुलरिटी के साथ साथ मूवीज मेकर की तरफ से जब भी एक्साइटमेंट सिनेमा प्रीमियर और जब भी प्रीमियर मूवी के बारे में चर्चे मिलेगा आप सभी को बताएंगे। और गेम चेंजर जैसी पॉपुलर सिनेमा की चर्चे और पॉपुलरिटी के साथ साथ हम आप सभी के साथ हिट मूवीज की पॉपुलरिटी शेयर करना पसंद करेंगे। गेम चेंजर जब OTT प्रीमियर के साथ आएगा यूट्यूब रिलीज के बाद
बाद ही हम आप सभी को ये सब मूवी के रिलीज फिल्म के साथ साथ रामचरण सर की अपकमिंग मूवीज के हिंदी वर्जन की पॉपुलरिटी शेयर करेंगे। रामचरण सर की वन ऑफ द पॉपुलर वन ऑफ द मच अवेटेड एक्शन थ्रिलर मूवी गेम चेंजर की ऑफिशियली प्रीमियर, इस मूवी के रिलीज इन्फॉर्मेशन, ओटीटी प्लेटफॉर्म प्रीमियर, बजट और मूवी स्टूडियो सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन के साथ साथ इस मूवी के बारे में रिलीज प्रीमियर का अपडेट जानना चाहते हो, मूवी को फुल एचडी पर देखना चाहते हो तो दोस्तों सबसे पहले इस वीडियो को लाइक करिएगा। जी हाँ दोस्तों, फाइनली गेम चेंजर मूवी के रिलीज प्रीमियर के साथ साथ इस मूवी का ट्रेलर को रिलीज कर दिया जा चुका है। एक तेलुगु लैंग्वेज की पॉलिटिकल मसाला ड्रामा मूवी है जिसको यस शंकर सर ने किया है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें इस मूवी का बजट काफी हाई बजट पर इस मूवी को बनाया गया है। तेलुगु लैंग्वेज पर स्पेशली इस मूवी को बनाने के बाद उस मूवी को हिंदी के साथ साथ काफी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर प्रीमियर कर दिया जाएगा। आप सभी को बता दें इस मूवी के डायरेक्टर यश शंकर, जिन्होंने साल 2010 में रोबोट मूवी के साथ साथ 2005 की अपरिचित, 2015 की आई जैसी मूवी के साथ साथ इंडियन जैसी सुपर सेवन मूवी को इन्होंने डायरेक्ट किया था। इस तरीके हिट मूवीज के डायरेक्टर जिन्होंने अपकमिंग डेज में रामचरण और कियारा एडवानी को लीड कास्ट में लेकर गेम चेंजर मूवी को डायरेक्ट कर रखी है जिसको ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा हिंदी के साथ साथ काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज पर। स्पेशली आप सभी को बता दें इस मूवी के क्रिएटर शंकर समुमुरम, जो कि यश शंकर जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट करके पॉपुलरिटी में लेने वाले हैं, इनकी पॉपुलरिटी और रिलीज मूवी के साथ साथ मूवीज मेकर इनकी सक्सेसफुल मूवी को लेकर काफ़ी एक्साइटेड हो रखे हैं। आप सभी को बता रहे हैं स्पेशली इस मूवी के अंदर रामचरण सर के साथ साथ कियारा एडवानी, यश सूर्या, दिल राजू, जैम राम जैसे एक्टर के साथ साथ एक्टर नसार जो कि मूवी के अंदर सपोर्टिंग कास्ट में नजर आएंगे। स्पेशली ये मूवी के बजट काफ़ी ज़्यादा रखा है। इस मूवी को कार्तिक सुब्बराज ने स्टोरी दिया है। स्पेशली इस टाइम कार्तिक सुब्बराज ने इस मूवी को स्टोरी दिया है जिन्होंने 2021 में जगमिन और सूर्या 44 मूवी को इन्होंने स्टोरी देने वाले हैं, जिसके साथ साथ इन्होंने पेट्टा 2019 की मूवी को भी स्टोरी लिखा था। इसी तरीके से पॉपुलर स्टोरी राइटर कार्तिक सुब्बराज इस मूवी के पॉपुलरिटी चलते हुए इन्होंने काफी हद तक डिफरेंट स्टोरी को इन्होंने राइट करते हैं, जिनमें से तेलुगु लैंग्वेज में रिलीज में आने वाली स्पेशल मूवी इन्होंने एज ए स्टोरी राइटर की तरह से काम करते हैं। स्पेशली थॉमस यास की म्यूजिक पर बनी हुई, प्रोडक्शन पार्टनर दिल राजू के प्रोडक्शन पर बनी हुई मूवी है। दिल राजू प्रोडक्शन हाउस पर काफी सारी हिट मूवी आप सभी को देखने को मिल जाता है। बैक टू बैक सिनेमा घरों पर रिलीज में आई हुई पैन इंडिया मूवीज जो पिछले टाइम रिलीज में आई थी उनमें से काफी हिट मूवीज दिल राजू की प्रोडक्शन हाउस पर बनी हुई थी। ये सब देखते हुए मूवीज मेकर और पॉपुलरिटी की तरफ से काफ़ी सारी हिट मूवीज़ के चलते देखने को मिला है। आप लोगों में से कनकर स्पेशली इसी तरीके से सुपर प्रीमियर हिट मूवी और इस तरीके डिजिटल नेटवर्क की पॉपुलरिटी के साथ रिलीज में आने वाली मूवीज़ को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमारे इन वीडियोज़ को लाइक करिएगा। स्पेशली पिछले टाइम जब यश शंकर की मूवीज़ पॉपुलरिटी में आया, मूवीज़ के मेकर की तरफ से इस तरीके हिट मूवीज़ के चलते और पॉपुलरिटी भी देखने को मिल गया था। स्पेशली रामचरण और कियारा एडवानी की पिछली मूवी जो रिलीज में आया था वीवी विनायक, जो कि पिछले टाइम 2019 में रिलीज में आने के बाद 6 साल के बाद फिर से एक बार कियारा एडवानी और रामचरण को एक ही साथ मूवी के अंदर आप लोग देखने वाले हैं। पिछले टाइम 2022 पर रिलीज में आए आरआरआर मूवी जो हिंदी वर्जन पर सक्सेसफुल रह गया, जो कि एस एस राजामौली की डायरेक्टिंग पर बनी हुई मूवी में रामचरण सर ने अपने लीड कास्टिंग के साथ मूवी को काफी डिफरेंट तरीके से इंट्रोड्यूस किया था। आप सभी को बता दें रामचरण सर की 2009 की माकदरा मूवी, उसके साथ साथ आरआरआर जैसे सुपर सेवन मूवी को प्रोडक्शन हाउस की तरफ से लेके आना काफी हद तक बड़ी मूवी बन चुकी है। गेम चेंजर मूवी जब 2025 पर रिलीज में जनवरी के महीने पर रिलीज करने का अनाउंसमेंट किया है, इसके बाद से इस मूवी का ट्रेलर को पिछले टाइम काफ़ी पॉपुलरिटी के साथ दिखा जा रखा है। मूवीज मेकर की तरफ से गेम चेंजर की वर्ल्ड वाइड इंडियन सिनेमा पर रिलीज किया जाएगा, जैसे कि आरआरआर मूवी को सक्सेसफुल मूवी मूवी की तरह मिला, यश शंकर की पिछले टाइम रोबोट मूवी, उसके साथ साथ अपरिचित आई जैसी सुपर सुपर मूवी ऑलरेडी यूट्यूब पर आप सभी को देखने को मिल जाएगा। मूवीज मेकर की तरफ से पॉपुलरिटी के मामले में काफ़ी हद तक डिफरेंट सिनेमा को देखने को मिलना काफ़ी पॉपुलर बात बनी हुई है। स्पेशली आप लोगों में से कनकन रामचरण सर की इस तरह के सुपर प्रीमियर मूवी को देखने के लिए एक्साइटेड रहना चाहते हो, आप हमें कमेंट करिएगा। माकादीरा, रंगस्थलम, विनय विदरेगा, ये मधु जैसी मूवी के साथ साथ इनकी पॉपुलरिटी देखने को मिल चुका है। ये मधु मूवी 2014 में रिलीज में आई मूवी रहा था, उसके साथ इस मूवी के सीक्वल प्रीमियर ये वो 2 को भी इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था।
वो भी ऑल ओवर द इंडिया काफ़ी सारे डिफरेंट लैंग्वेज के साथ देखने को मिला। रामचरण की पॉपुलरिटी पिछले टाइम काफ़ी हद तक लोगों को देखने को मिला, मेकर्स की तरफ से पॉपुलरिटी और चर्च से भी देखने को मिलना काफ़ी कॉमन सी बात रह गई थी। 2018 में जब रंगस्थलम मूवी को काफ़ी प्यार मिला, मांगा धीरा, रंगस्थलम, गेम चेंजर जैसी काफ़ी सारी हिट मूवीज़ को पॉपुलरिटी मिल गया था। स्पेशली आप लोगों में से कन कन इस तरीके सुपर विलन मूवी, इस तरह की हिट मूवीज़ के पॉपुलरिटी को लेकर एक्साइटेड हो, सबसे पहले आप हमें कमेंट्स करिएगा। स्पेशली ये वाली मूवी रिलीज में आने के इतने 10 साल के बाद उन्होंने गेम चेंजर जैसी यूनिक स्टाइल की मूवी के अंदर काम कर रखी है। एज अ पॉलिटिकल मूवी की तरह इन्होंने काम करना काफ़ी बड़ी बात रह गई है। ये एज अ फिल्म प्रोडक्शन के तरफ से भी काम करते हैं, उसके साथ साथ पिछले टाइम थारापति विजय सर की लास्ट मूवी के बाद वो पॉलिटिक्स में जाने वाले हैं, जिसके बाद रामचरण सर के करियर में काफ़ी हिट और हॉट प्रीमियर देखने को मिल जाएगा। आप सभी को बता दें।